हरियाणा रोडवेज यूनियन के प्रधान एवं भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष रोशनलाल शर्मा रोडवेज की 38 साल की नौकरी कर सेवानिवृत्त हुए। उनके सेवानिवृत्त समारोह में यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मुख्य रूप से उपस्थित हुए। विधायक ने कहा कि रोशनलाल एक निर्भीक एवं ईमानदार कर्मचारी हैं। इन्होंने अपना सारा जीवन समाज एवं मजदूरों की समस्या सुधारने में लगा दिया। इन्होंने लगभग 32 साल ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर समाज हित में कार्य किया है। स्वस्थ आपको सेफ रहे हैं और आप इनका पूरा ख्याल जैसा मान सम्मान रोडवेज में इनको मिला है वैसे मान सम्मान आप इनको घर पर देंगे और इनका ख्याल रखेंगे, शहर का ख्याल रखेंगे। हरियाणा रोडवेज में 38 वर्षों की सेवाएं देने के पश्चात बिना किसी दाग और बिना किसी के रिटायर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है रोशनलाल जी के लिए भी और उनसे जुड़े हुए हमारे जैसे तमाम साथियों के लिए। यहां आके मुझे पहली बार एहसास हुआ कि निश्चित ही रिटायर होना अपने आप में एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर हुआ करता है। ये अपने तमाम साथियों को खाते पीते हुए देखकर और एंजॉय करते हुए देखकर मुझे पहली बार ये एहसास हुआ है कि वास्तव में साथियों के लिए रिटायरमेंट जो है वो एक बहुत ही जॉयफुल अवसर के रूप में हमारे सामने आता है। अन्यथा मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर रिटायरमेंट की पार्टीज देखी है, वहां एक तनाव और एक चिंता जो है वो लोगों के ऊपर रहती है, लेकिन जहां तक बात हमारे रोशन लाल जी की है, इनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। एक क्षेत्र के अंदर काम करने वाला नहीं है, एक कर्मचारी के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, एक ट्रेड यूनियनिस्ट के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में, एक अनुभाव के रूप में, मित्र के रूप में, और यहाँ तक कि देश में जो क्रांतिकारी विचारधारा भगत सिंह और उसके साथियों की थी उसके झंडे को झंडा बता बन के लेके चलने के रूप में इनका व्यक्तित्व बहुत आया है। वो इस चार दीवारी से बाहर निकलकर बेरोक रोक समाज के हित के लिए और समाज के कल्याण के लिए निरंतर लोगों तक पहुंचती रहेगी। ऐसे ही लोगों के बारे में कहा जाता है कि कमाले आज की हर शख्स को हासिल नहीं होता, कमाले आज की हर शख्स को हासिल नहीं होता, हजारों में कोई मजदूर कोई बर्बाद होता है। आप फोटो लेंगे क्यों नहीं? जो भारतीय मजदूर संघ के जिला के अध्यक्ष हैं और साथ में ही अपनी रोडवेज में भी यूनियन के अध्यक्ष हैं, मार्गदर्शक हैं, मेरा आज से 4.5 वर्ष पूर्व जब विधानसभा के चुनाव थे तो आपसे संपर्क आया और वो संपर्क ऐसा आया कि हम निरंतर एक दूसरे की ओर सीखते चले गए, एक दूसरे को समझते चले गए और एक दूसरे के सहयोगी की भूमिका में आ गए। आप मजदूरों के कितने हितैषी हैं, कितनी चिंता करते हैं कि जरूरी मिलना, ये ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटर यूनियन वाले हैं, ये पेपर मिल की यूनियन वाले हैं, ये शुगर मिल की यूनियन वाले हैं, ये रोडवेज की यूनियन वाले हैं, सरकार के साथ बातचीत करवा दो, किसी तरह भी समस्या का समाधान हो जाए। ना जाने कितने प्रकार के जो यूनियन हैं, उनसे आप जुड़े हुए हैं और उनकी चिंता करते हैं, केवल चिंता नहीं करते, उसके बारे में आपने हर बात का बारीकी से अध्ययन किया हुआ है। हाँ जी, कभी तो कोई और दूसरी बात करके
जब भी आप मिलते हो आप मजदूर हैं, कैसे भरा सकता है सरकार, कैसे कर सकती है, कानून क्या कहता है और मजदूर का कर्तव्य क्या है, हक क्या है, ये सारी बातें आप अच्छी तरह से जानते हो। और जब से रोशनलाल जी भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़े तो इन्होंने ये कहना छोड़ दी है कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजदूरी हो। मैं तो बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त हूँ। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं खुले तौर पर कहता हूँ, राजेंद्र यादव मेरा जिस समाज से जुड़ा था क्योंकि मैं जिस समाज से जुड़ता हूँ 100% जुड़ता हूँ, 99.9% या फिर मैं किसी जुड़ा हूँ माननीय घनश्यामदास जी, राजनीति सोच किसी साथ न करती और एक व्यक्ति के साथ है, बाकी यमुनगर में न किसी नेता के साथ न किसी पार्टी के साथ। साथियों इतने अच्छे विधायक मुंबईकर जी हम बाद में लोगों में बताते हैं, जब हमारी 18 दिन की हड़ताल चली थी रोड की और सरकार पास इनकी लिए नहीं बैठ गई, मेरे साथ मेरे साथ थे कल्याण सिंह जी थे और थे हमने एमएलए साहब को रिक्वेस्ट की और एमएलए साहब ने उसी वक्त मुख्यमंत्री से बात की, प्रधानमंत्री से बात की कि वो कराओ उनका समस्या का हल करो। उसके बाद जब ये ऑनलाइन जो परिस्थिति ट्रांसफर की, ये वाकई हमारे डेवलपमेंटों के हित में नहीं है क्योंकि अब हमारे डेवलपमेंट ज्यादा हित की एज के हो चुके हैं और बाहर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाके मीटिंग करना उनके लिए संभव नहीं है। हम अपने माननीय विधायक से मिले, एमएलए साहब ने उसी वक्त बात की और वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर उसने बता दी। मैं इसके एमएलए साहब का धन्यवाद करता हूँ। अब इसके बाद पिछले साल जब ये ठेके के ड्राइवर हैं इनका वेतन 4-5 महीने से नहीं मिला था, ठीक था क्यों नहीं हुआ था, हम एमएलए साहब के इन्होंने प्रधानमंत्री से बात की कि क्या मजाक है जब इनसे काम ले ठेके के ड्राइवरों से वेतन 4-5 महीने से नहीं मिलता, ये मजाक कैसे करेंगे। 3 दिन के अंदर इनको वेतन देने का लेटर दिया गया था और इनका ठेका भी नहीं हो गया था। अब ये उनको निकालने की बात आई थी, हम सब एमएलए साहब से मिले कि दोबारा इनका फिर निकालने की बात चल रही है और उत्तर दिए गए हैं, इन्होंने फिर मुख्यमंत्री से बात की और ये फिर हम इन दिनों की बचे।